आगामी बजट को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर राज्य के वित्त मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया जाता है कि वो आकर सुझाव दें कि उनके राज्य में विशेषकर इंडस्ट्री सेक्टर में क्या किया जा सकता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत लेबर यूनियनों सहित आम जनता से भी सुझाव व फीडबैक ली जाती है। यही नहीं, जो सुझाव सही होते हैं उन्हें वित्त मंत्रालय में भी शामिल किया जाता है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए उन्हें सुझाव भेजने की बात कही है, जिसके लेकर लोगों में सुझाव प्रेरित करने बारे उत्साह है। मिलने वाले सुझावों जो कि सही हों उन्हें वित्त मंत्रालय में शामिल किया जाता है। सुझावों व फीडबैक के आधार पर हम लोगों का बजट बनाकर पेश करते हैं। सालाना 111,000 से अधिक ओपीडी वाले ज्वालाजी अस्पताल के अंदर ही अब मरीजों को जल्द ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसे लेकर ज्वालाजी अस्पताल में जल्द ही एसआर लैब स्थापित होगी, जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रस्ताव पारित कर विभाग को भेज दिया गया है। ज्वालाजी के विश्राम गृह में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय भाजपा विधायक रमेश धवाला ने की। एसडीएम ज्वालाजी अंकुश शर्मा सहित अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर सतेंद्र वर्मा, डॉक्टर पवन भी इस दौरान मौजूद रहे। अस्पताल में मरीजों को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसे लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उन कामों को अमली जामा पहनाने के लिए लगभग 22 लाख रुपए का बजट इस बैठक में पास किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अस्पताल में सिविल सप्लाई की दुकान खोली जाएगी, ताकि मरीजों को 24 घंटे दवाइयां अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध हो सके। इसके अलावा अस्पताल में गार्ड की नियुक्ति जल्द ही की जाए, जिसे लेकर बजट का प्रावधान किया गया। बैठक के दौरान अस्पताल के बाहर लगी हाई मास्ट लाइट बंद रहने के कारण अस्पताल रात को अंधेरे में डूबा रहता है, इसका मुद्दा भी खूब गरमाया। इसे लेकर बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक हाई मास्ट लाइट ठीक नहीं होती, तब तक यहां अस्थायी रूप से अस्पताल के इर्द गिर्द लगभग 4 सोलर लाइट लगाई जाएंगी, ताकि यहां उजाला रहे और मरीजों व उनके साथ आए तमीरदारों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बैठक में वाटर कूलर सहित मरीजों के बैठने के लिए बेंच, उनके टाइम पास के लिए हॉल में एलईडी लगवाने सहित अस्पताल में लाइट जाने के दौरान जनरेटर की सुविधा का प्रावधान बजट में किया गया। इसके साथ ही मरीज ठंड में ना ठिठुरें, इसके लिए यहां हीटर की व्यवस्था की जाए, इसका भी प्रावधान बजट में किया गया। ज्वालाजी अस्पताल में दाखिल होने के दौरान यहां गेट लगवाने सहित अस्पताल के अंदर खराब पड़े पंखों को ठीक करवाने व अस्पताल में एक और अन्य 108 एम्बुलेंस वाहन सहित कार शेड बनाने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया। 100 बिस्तर वाले ज्वालाजी अस्पताल में मात्र 40 बेड लगे हैं। जहां तक सुविधाओं की बात की जाए तो अस्पताल के अंदर बनी प्रयोगशाला में पानी तक नहीं है, जो काट कर टेबलों के ऊपर रोगियों के टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में बिल्डिंग की हालत खस्ता है, इसे लेकर भी बैठक में एक बजट पास किया गया और सारे कामों को अमली जामा पहनाने की बात स्थानीय प्रशासन व अन्य अधिकारियों से की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।